All right, Gio, very good morning to all. Very quickly, let's start with today's discussion. हमारा चैप्टर चल रहा है लीवरेजेस और आज हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसे वाइंड अप करने की. लास्ट क्लास में आपको होमवर्क क्या क्या असाइन किया गया था एक बार प्लीज वो बता दो. एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो होमवर्क तो आपको मैंने भेज दिया था एग्जाम सोल्यूशन में. हाँ, लीवरेजेस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड आंसर मैं शेयर करती हूँ. क्वेश्चन क्वेश्चन 24, राइट. हाँ जी, क्वेश्चन 24 में आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग लीवरेज. ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आ रहा है बच्चे 1.48. चेक कीजिए 1.48. और इसमें कंबाइंड लीवरेज का आंसर आई थिंक 2.056 या 2.056 चलेगा. और आपके पास इधर ईपीएस आ रहा है 1.36. ठीक है ये. और इस क्वेश्चन में जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और आप इंटरेस्ट को इतना ही ले रहे हैं जितना ये बॉन्ड्स का मेंशन है, तब भी वेरीफाई करने पर पता चलता है कि फाइनेंशियल लीवरेज 1.39 ही है. ठीक है जी. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आपके आईसीएस स्टडी मॉड्यूल में से है. इसमें जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, दो ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल है, बट आपको काम जस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी से एक आपको काम एक जगह से करना था, ऑपरेटिंग लीवरेज पकड़ कर करना था. एंड गोइंग विद दैट आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर आ रहा है 1.25. 1.25 पीवी रेशियो जो है आपके पास 13.6% आ रही है. चेक कीजिए. नहीं आ रही 13.6. अच्छा एक बार ये तो मैं कंफर्म करवा देती हूँ, मैं करवा देती हूँ. और ईपीएस 0.202. यस मैम, चलो फाइनेंशियल मॉड्यूल का है, मैं भेज दूंगी उसका पेज कंडीशन क्या 1.25. एक बार ये बच्चे मैं कंफर्म करा देती हूँ. यश आपके पास भी नहीं आ रहा है आंसर ये. सो सॉल्व नहीं हुआ. चलो एक बार ना इस क्वेश्चन को स्क्रैच से पिक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 ना आपको ऑपरेटिंग लीवरेज कंबाइंड लीवरेज के बना है, तो हमें पता है कंबाइंड लीवरेज इज ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल. कंबाइंड आपके पास 2.5 है, ऑपरेटिंग 2 है. फाइनेंशियल चेक करो शालिनी जी, 2.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1.25 आ जाएगा. ठीक है ना. उसके बाद अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें, व्हाट ऑल डू वी हैव फॉर इनकम स्टेटमेंट पर्पसेस. मेरे पास सेल्स है 50 लाख की. मेरे पास अभी फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है. कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस होने वाला फिक्स कॉस्ट जरूर है 3,40,000. ठीक है जी. मेरे पास आ रही है ईबीआईटी. नो, इस पर्पस के लिए अगर राइट अवे मैं पिक करूं ऑपरेटिंग लीवरेज को, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन गायब है. और ईबीआईटी को हम ये बोल सकते हैं इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ओनली. तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 3,40,000. एक बार अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करके देखें, देखिए आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है 6,80,000. चेक कीजिए सभी लोग, क्या आपने ऐसे किया होता है तो. नहीं, किस तरीके से किया हुआ था आपने बताओ. फाइनेंशियल हाँ जी, बच्चे फाइनेंशियल लिवरेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और उससे आंसर डिफरेंट आएगा, पर वो आंसर ठीक भी है. तभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया आईसीआई खुद बताता है एज अ नोट, हाउएवर एन ऑल्टरनेटिव आंसर इज आल्सो पॉसिबल. बट मैंने ये बोला था कि फॉर यूनिफॉर्मिटी पर्पस की सबका आंसर मैच कर रहा हो, आप ऑपरेटिंग लिवरेज को पकड़ के सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, चलेगा. अगर आपने फाइनेंशियल से सॉल्व किया है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है आपके पास भी. खैर, जिन्होंने ऑपरेटिंग से इसे सॉल्व किया है, कंट्रीब्यूशन आ गई 6,80,000 और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स करके अल्टीमेटली आपके पास पीवी रेशियो आ जाएगी 13.6%. नहीं तो डाउट क्लियर हो गया. अच्छा, ईपीएस इसी इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू करके वो मैं करवा देती हूँ, देख लेते हैं. मुझे एक चीज बता दो बस, इधर ईवीआईटी आ रहा है 3,40,000.
अगर इधर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 242 242, अभी 242 कैसे आया वो इंटरेस्ट बॉन्ड्स बॉन्ड्स का? 30.25 लाख 8% इंटू 8% कितना आ रहा है? 242 242 डिवाइडेड बाय ईबीटी आएगा, एक बार मुझे ईबीटी बताओ कितना आ रहा है? 98,000। अब एक चीज देखो, बाकी अगर आप ये वाला काम करें, आईसीएफ भी ये वाला काम कर रहा है, बट इस वाले काम से अब फाइनेंशियल लीवरेज 1.25 शायद नहीं आ रही है, वही बात आ रही है। अब यहाँ पे देखो, आईसीएफ ने तो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया नोट देके कि ड्राफ्टिंग दे रहा है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आर ऑल्सो पॉसिबल, बट अगर हमको इसको करना है, वट वी कैन डू इज, क्या यहाँ पर कुछ एडिशनल इंटरेस्ट जैसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था वैसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर फिट करने की, जिससे कि हम फाइनेंशियल लीवरेज को 1.25 बना सके? आपने ऐसे कुछ किया तो फिर तब भी ईबीटी आपके पास भी 98,000 आ रहे हैं। इंटरेस्ट कितना लिया आपने? सेवेंटी वो 272 कैसे आ रहे हैं? अच्छा, कैलकुलेशन वगैरह है। चलो प्रोसीडिंग है, आपके पास टैक्स माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा और टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 3,40,000 करके ईपीएस आ रहा है 0.20। ठीक है जी, ये इनकम स्टेटमेंट है। तो अगेन, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन के ड्यू टू ड्राफ्टिंग एरर, तो जो आपसे पॉसिबल बन पा रहा है आप कर रही है, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लीवरेज 1.25 है। देखो, स्टेटमेंट आपको फाइनेंशियल लीवरेज कब चाहिए? फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट में 1.25 नाम दे चुके हो, सेकंड में आपने अपना काम कर लिया, खत्म करो, अब मत वेरीफाई करो कि क्या हो गया। मतलब हम वेरीफाई कर रहे हैं तो अलग ही आ रही है, बट देन अगेन यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर भी सकते हो एडिशनल इंटरेस्ट निकालने की, नहीं कर रहे हो तो यू कैन प्रोसीड अहेड। हाँ, बिकॉज आप देखो, अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ फिर मेरी कंबाइंड बिगड़ जाएगी। सो मैं आईसीआई भी क्यों इंसिस्ट नहीं कर रहा? देखो, लास्ट क्लास में तो मैंने बोल दिया था कि फाइनेंशियल लीवरेज क्वेश्चन में गिवन थी, इसलिए आपको वो ठीक करवाना है। क्या ये वाली फाइनेंशियल लीवरेज क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन? नो, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑपरेटिंग और कंबाइंड, आपकी ये कंबाइंड फिट रखनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर एडिशनल इंटरेस्ट लाने को इतना इंसिस्ट नहीं कर रही। ठीक है ना? तो अगेन, आंसर्स की रिवीजन पॉसिबल है, इतना आपने लोड नहीं लेना है। देखो, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था विद सेम लैंग्वेज, उसमें तो कोई ड्राफ्टिंग एरर नहीं था, और वो तो बकायदा आईसीआर का मेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो फिर भी हैविंग सेड दैट, कई बार ड्राफ्टिंग एरर आ भी जाते हैं, बस आपने अपनी तरफ से हाथ पैर मारकर लाने होते हैं। अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये फिजिबल नहीं भी लग रही है, काटा नहीं बजाना, क्योंकि अगर आप काटा बजा के कुछ और भी नहीं कर रहे हो फिर तो नंबर उस छोटी मोटी वर्किंग्स के भी नहीं मिलेगी, जो छोटी मोटी वर्किंग्स आपने की है। इससे जो बन पड़ रहा है करो, बस सोल्यूशन एंड तक नहीं निकल सकता, कोई बात नहीं, जो पॉसिबल अपने लेवल पे वो करके। ठीक है जी, डन। चलो, अब इसी क्वेश्चन में थर्ड रिक्वायरमेंट, वो आपसे क्या मांग रहा है? एसेट्स टर्नओवर, एसेट्स टर्नओवर निकल कर आ रहा है 0.78 टाइम्स, 0.78 टाइम्स, और हम कमेंट क्या देंगे? दैट इट इज लोअर देन टर्नओवर ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है जी, और लास्ट में आपसे क्या पूछा है? एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी विल बी जीरो? तो इस रिक्वायरमेंट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो सेल्स का इंपैक्ट ईबीटी पर, कौन सी लीवरेज हमें बता सकती है? कंबाइंड। तो आप कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इन ईबीएस होता है, बट इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज को हम ईबीटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपके पास कंबाइंड इंटरेस्ट कितनी बचे? 2.5, और आपको ईपीएस गिराना यानी कि ईबीटी गिराना 100% से, तो आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आ गया? 40%। तो फिर आप बताओगे दैट सेल्स हमारे पास ओरिजिनल कितनी है? ओरिजिनल 50 लाख। तो 50 लाख को आप गिराओगे 40% से, तो फाइनली हमारे पास रिवाइज सेल्स फिगर आ जाएगी 30 लाख। बट जब आप इस रिक्वायरमेंट को एक और ऑल्टरनेटिव से करते हो, वो दूसरा ऑल्टरनेटिव मैंने आपको पिछले क्लास में भी जो सिमिलर क्वेश्चन था उसमें क्या बताया था? फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।
ड्यू टू ड्राफ्टिंग एरर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर सेम नहीं होगा। मुझे बताओ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास कितनी है? 3 लाख 40,000 राइट। उसके बाद फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है आपके पास? 2,42,000। पीवी रेशो हमने कितनी कैलकुलेट की थी ऊपर? 18.6%। तो ये आंसर आ रहा है समवेयर 42,79,420। आंसर मैच नहीं कर रहा। आइडियली करना चाहिए था, सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था, कर रहा था आंसर मैच। यहाँ पर अगेन ड्यू टू ड्राफ्टिंग एरर दोनों से आंसर मैच नहीं कर रहा, बट आईसीआई इज वेरी वेल रिकॉग्नाइजिंग बोथ ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव्स इन देयर सॉल्यूशन। यश मुझे रिमाइंड करवा देना कि मैम प्लीज शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। बस यही पूछना था कि वो फाइनेंशियल इंटेंशन मतलब हमारी किस वजह से डाउन। कोई नहीं कोई नहीं, आप एक बार फिर भी अगर रिमाइंडर दोगे मुझे क्या करना है, सिर्फ आईसीएम मॉड्यूल कहीं तो वो स्क्रीनशॉट इस तरीके से शेयर करना। हाँ मतलब इसमें क्वेश्चन सामने से आपको कोई फिगर नहीं बता रहा, जैसे फाइनेंशियल लीवरेज इधर हमारे एंड से वो कैलकुलेटेड है, इट इज नॉट गिवन। तो नॉट गिवन है तो चलेगा, व्हेन इट इज गिवन तो बस वो गिवन वाली चीज को हमको ट्रू प्रूफ करना होता है। ठीक हो गई जी बात। मैम ऐसे टीवी रेशो पीवी के रेशो बाद 13.6, अगर मैं ऑपरेटिंग लीवरेज पकड़कर कॉन्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर रही हूँ, ईबीआईटी सॉल्व कर, अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज पकड़कर ईबीआईटी सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ईबीआईटी के ऊपर कंट्रीब्यूशन भी अलग आएगी, तब पीवी रेशो भी अलग आएगी। डू यू वांट मी टू डिस्कस दैट अल्टरनेटिव आल्सो अंजलि? मैम एक बार आंसर वो ऐसे ही भेज देना। आईसीए वाला तो यही है, आईसीए वाले मेरा नोट देकर कह रहे मेरे हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज में सॉल्व करा मेरा ईपीएसआर 1.99। मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ वो चीज। हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो फिक्स कॉस्ट थी 340 की और इंटरेस्ट है 242 का ना। अगर आप ये बोलोगे कि फाइनेंशियल लीवरेज इज ईबीआईटी अपॉन इंटर ईबीटी, हाँ जी फाइनेंशियल लीवरेज आपने कितनी कैलकुलेट की थी? 1.25। ईबीआईटी मालूम नहीं और ये डिनोमिनेटर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो आपके पास ईबीआईटी की एक वैल्यू आती है, वो ईबीआईटी की वैल्यू कितनी है? 12,10,000। तो फिर कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? 15,50,000। तो अकॉर्डिंगली पीवी रेशो हमारी चेंज हो जाती है, 15,50,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख करके जो भी आ रही है। और आगे प्रोसीडिंग विद द इनकम स्टेटमेंट हमारे पास ईबीटी इंटू 100 वो भी 31 31% आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके बताना अंजलि कितना आ रहा है? ईबीआईटी 9,68,000। टैक्स माइनस किया तो पैट आ जाएगा 6,776,000। और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वो करके 1.982, ठीक है। ये काम ठीक फिर भी है, बट इसमें फिर ये बात हो जाएगी, आपने फाइनेंशियल लीवरेज को तो सही प्रूफ करवा दिया, मे बी ऑपरेटिंग गड़बड़ हो गई, ऑपरेटिंग गड़बड़ इवन कंबाइंड ऑल्सो गड़बड़, की क्वेश्चन सामने से आपको क्या बता रहे हैं, कंबाइंड बता रहे हैं, क्वेश्चन आपको सामने से क्या बता रहा है, ऑपरेटिंग बता रहा है, दोनों को आपने गलत प्रूफ करके अपनी 1.25 सही प्रूफ कर दी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम है, सेकंड वाली तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कंप्लीट, ठीक है जी। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस ना ले, आपने जो किया अगेन उसके अगर ऐसा कुछ पेपर में आ गया मार्क्स नहीं कटो, ठीक है जी। बढ़ सकते हैं आगे और रहिए। अब सीक्वेंस के हिसाब से 21 भी हो गया था, 22 भी हो गया था, 23, 24 डन है, 25 डन है, 26 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 26। आज कोई ऑनलाइन क्यों नहीं है? मैसेज तो चला गया था ना, शामिल हो जी हैज सेल्स ऑफ 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 56% एंड फिक्स कॉस्ट 6 लाख, इट हैज डेट ऑफ 45 लाख एट 9% एंड इक्विटी ऑफ 55 लाख। अब पहली रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रही है फर्म्स आरओआई, दूसरी रिक्वायरमेंट कुछ फेवरेबल फाइनेंशियल इवरेज मांग रही है, बट एज फार एज आई कैन सी फोर्थ रिक्वायरमेंट आपसे ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज पूछ रही है। और हमें पता है कि जब ये तीनों लीवरेजेस पूछे हैं हमको बनानी है इनकम स्टेटमेंट, एंड बच्चे आगे की रिक्वायरमेंट्स में
इन लीवरेजेस की एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है। तो जब हमको लीवरेज कैलकुलेट करनी होगी ना, अगर पॉइंट्स में आ रही है तो बेटर टू टेक इट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस टू हैव एक्यूरेसी इन दीज आंसर्स, जो परसेंटेज चेंज वाले। ठीक है, फिलहाल आपका काम क्या है, पहले तो ना इनकम स्टेटमेंट बनाओ, लीवरेज की बारे में निकालना, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 26, ईबीटी तक ही पहुंच पाएंगे आप लोग, टैक्स गिवन नहीं है, क्योंकि ईबीटी आपके पास आ रहा है 22,95,000। सभी के पास यही आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, डिटेल सभी के पास आ गया। परफेक्ट, आयुष आ गया आपके पास है। जी चलिए, अब जो पहली रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रही है, देखिए बच्चे, पहली रिक्वायरमेंट का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। राइट नाउ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेग टर्म। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में जाकर हम पढ़ते हैं कि इसका मोर रिफाइंड और टेक्निकल नाम रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो एनालिसिस चैप्टर में अगेन हम पढ़ते हैं कि दो वर्जन है। एक वर्जन तो होता है इसका प्री टैक्स, वो कहता है कि डिनोमिनेटर में आप रखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड और न्यूमरेटर में रखोगे ईबीआईटी इनटू 100। इन जनरल इस फॉर्मूला का लॉजिक क्या, पहले हम समझते हैं व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा जो हमारी बचपन की अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल हमने इस वक्त लगा रखी है। जितनी कैपिटल लगा रखी, मतलब जितना हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस लगाया हुआ है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस में मुझे बताओ क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, और लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी, अब हम ये बोलते हैं कि इन लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसा इकट्ठा करके हमने करना क्या है, बिजनेस चलाना है, प्रोजेक्ट में लगाना है। तो वो बिजनेस, वो प्रोजेक्ट बेसिक कमाई कितनी करके दे रहा है, जो कि अवेलेबल हो जाएगी इन सभी के लिए, इन सभी के लिए अवेलेबल हो। तो इन सभी में तो लॉन्ग टर्म डेट भी आता है। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि डेट की ऑब्लिगेशन पूरा करने से पहले बेसिक बिजनेस से क्या निकल कर आया, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम या ईबीआईटी। इसके बाद जो निकल रहा है, वो निकल रहा है इन्हीं सोर्सेस को पे ऑफ करने के लिए। इसके बाद क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, तो इंटरेस्ट से डेट चला जाएगा। चलो फिर पोस्ट टैक्सेशन बेसिस पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकल जाएगा, और फिर कुछ इक्विटी डिविडेंड भी हम दे देंगे। तो सभी का मिलाकर जो अर्निंग्स इनके लिए अवेलेबल हो जाती है, अर्निंग अवेलेबल फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, ईबीआईटी। तो न्यूमरेटर में रख दिया ईबीआईटी। हाउएवर ये बोला जाता है कि इफ यू हैव अ चॉइस, इफ यू हैव टैक्स रेट अवेलेबल इन द क्वेश्चन, इट इज बेटर कि हम न्यूमरेटर में ईबीआईटी को नेट ऑफ टैक्स ले जाए, ईबीआईटी को नेट ऑफ टैक्स ले जाए। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए, टैक्स तो जाना ही जाना है जी,
इवन इफ देर इज टैक्सेशन अवेलेबल, आपके पास लेट अस से टैक्स रेट 30% है, आप ये बोल सकते हो कि नहीं जी टैक्स अवॉइड कर लें किसी तरह, नहीं जी टैक्स तो जाना ही जाना है. तो हम बोलते हैं कि अल्टीमेटली सिंस इट इज अ कंपल्सरी थिंग, इट इज बेटर कि मान के ही ना चलो कि बिजनेस के लिए 10% बचता है, हम बोलते हैं बिजनेस 10% नहीं 7% कमा है, क्योंकि 30% तुम्हारा टैक्स है ही. ठीक है जी, ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ टू अप्लाई इट इन टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास टैक्स तो अवेलेबल है नहीं, तो हम अपनी आरओआई क्या कंप्यूट कर पाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो सिंपल प्री टैक्स वाला मतलब ईबीआईटी ले जाओ. ईबीआईटी कितना है आपके पास, ईबीआईटी ईबीआईटी 27 लाख बेटा, यस मैम. 27 लाख. और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेकर जाओगे, अब वो सोचो कैपिटल एम्प्लॉयड में. इक्विटी 55 लाख की और बिल्कुल 55 लाख, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इक्विटी प्लस 45 लाख का डेट इनटू 100 कर दो, ये आपके पास आ गया 27%. हाँ जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट डन. चलिए सेकंड रिक्वायरमेंट, डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. बच्चे यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज का मेजर नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो और उसको देखकर कोई कमेंट दे दो. कमेंट वैसे भी हम कैसे दे सकते हैं, अगर ग्रेटर देन वन होती तो फेवरेबल ऐसा थोड़ा नहीं होता. फेवरेबल और अनफेवरेबल वाली चीज इस पर नहीं डिपेंड करती कि लीवरेज का मेजर क्या रहा है, वो तो रिस्क बताता है. इन जनरल यहाँ पर क्या मतलब है कि देखो फाइनेंशियल लीवरेज की बेसिक डेफिनेशन पर जाओ, किसी को डेफिनेशन अगर अपने वर्ड्स में बताना चाहें हिंदी लैंग्वेज में बता दो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल लीवरेज, ये बताओ क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब, ये सिग्निफाई क्या करती है. इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ईबीआईटी का इम्पैक्ट ईबीटी पर, यह हम बोलते हैं कि बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज को दर्शाती है कि एक फर्म जो है इंटरेस्ट नाम की चीज को यूज करके बढ़ चढ़ के ईपीएस पर कितना मैग्निफिकेशन ला सकती है. जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फिगर तो कल को ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईपीएस भी मैग्निफाई होकर बढ़ जाएगा, राइट है जी, यही चीज बताती है. ओके, अब आप ये देखो कि एज सच इंटरेस्ट की बात आ रही है, हमने लॉन्ग टर्म डेट को इंटरेस्ट कितना रेट पर पे करूंगी, 9%. और वैसे हम क्या ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट का जो ये पैसा है 45 लाख अलोंग विद इक्विटी कमा रहा है 27%, बट ये भी तो अपने आप में 27% ही कमा रहा है ना, इक्विटी भी 27% कमा रही है और डेट भी 27% कमा रहा है. तो ये पैसा हमने लिया है बोरोइंग्स में 9% पर, बट ये पैसा मेरे को रिटर्न जनरेट कर रहा है 27% पर, तो क्या इंटरेस्ट रखने का फायदा हो गया हमारी इनकम स्टेटमेंट में, बिल्कुल फायदा हो. तो हमने कमेंट क्या देना है, सिंस आरओआई 27%, आरओआई 27% इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है हमारे पास 9%, कॉमा फर्म हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, फर्म हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. ये पैसा हमने लगाया तो कमा रहा है 27%, इसको बदले में देना है 9%, तो बचा हुआ जो ये सरप्लस निकल कर आ रहा है ये किसके नाम का बचता है, इक्विटी के नाम का बचता है, अल्टीमेट ओनर्स के नाम का बचता है, तो बढ़िया चीज है ना ये. लेट अस से आरओआई सिर्फ 6% होता तो हम क्या कमेंट देते, आरओआई सिर्फ 6% अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, हम बोलते हैं इंटरेस्ट तो पे ऑफ करना 9% पे, बट ये पैसा लाकर कमा रहा है कितना, कमा कर ला रहा है कितना 6%, तो हम बोलेंगे फिर बढ़िया नहीं, इससे अच्छा तो बेटर है कि हम ऑल इक्विटी रहते हैं, है ना. तो डेट रखने का फायदा नहीं, डेट रखने का फायदा है ओनली वेन आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट. बात समझ में आ गया जी, ठीक. चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री उस कैपिटल टर्नओवर इज 3, डज इट हैव हायर लो कैपिटल टर्नओवर. बच्चे हम टर्नओवर रेशियो पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, वो थी एसेट्स टर्नओवर, उसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स अपॉन एसेट्स. यहां पर इसका फॉर्मूला रहेगा सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ जी, हमारे पास सेल्स कितनी है 75 लाख 75 लाख,
कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0.75 टाइम्स. और इंडस्ट्री का कितना था, 3. तो आपने कमेंट दे दिया, आपने कमेंट दे इस परसेंटेज में नहीं था. टर्नओवर रेशियो टाइम्स में ही आती है. अब ये ना रेशियो एनालिसिस चैप्टर की कंफ्यूजन है, कौन सी रेशियो टाइम्स में है, कौन सी परसेंटेज में है. तो इन जनरल अभी तक फिलहाल आप देखो जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है, नेट प्रॉफिट रेशियो, या हमारे पास अभी आरओसीई निकाला, ये सब हमारा उसमें है परसेंटेज में. बट अभी टर्नओवर रेशियो देख लो, या ईपीएस देख लो, या कोई और, अभी कोई और रेशियो मेरे सामने नहीं आई. तो ये सारे हमारे पास उसमें हो गए, टाइम्स में हो गए, लीवरेजेस टाइम्स में हो गए. कवरेज रेशियो भी डिस्कस की थी एक क्वेश्चन में, वो भी टाइम्स में थी. हाँ जी, कमेंट. सिंस इंडस्ट्री हैज कैपिटल टर्नओवर ऑफ 3 टाइम्स, फर्म हैज लो कैपिटल टर्नओवर इन कंपैरिजन, हैज लो कैपिटल टर्नओवर इन कंपैरिजन. ठीक हो गया. चलिए जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट. वैसे तीनों लीवरेजेस कैलकुलेट कर लीजिए, एंड इट इज अ रिक्वेस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस का कैलकुलेट कर लेना, सो दैट फर्दर रिक्वायरमेंट में अच्छी एक्यूरेसी रहे. मे भी अगर टैक्स कम रहता है तो करना होगा. वैसे तो कंबाइंड एवरेज का प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड. इस क्वेश्चन में पहली बात तो टैक्स गिवन नहीं, सभी उनको प्रेफरेंस कैपिटल बतानी भी नहीं पड़ी, सीधी सी बात है, पॉसिबल ही नहीं था ये पोर्शन इस क्वेश्चन में, ना टैक्स गिवन ना प्रेफरेंस, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी रह गया. हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 1.22, फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर 1.1765, कंबाइंड का आंसर 1.479. 9 के बाद भी, 9 के बाद क्या है, 0. 9 के बाद 0 है, ठीक है, वो 379 चलेगा. ये तीनों आंसर आ गए. चलो हाँ जी, शुक्रिया. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट प्लीज. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10% बाय व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज, बताओ कौन सी लीवरेज की एप्लीकेशन है ये. सेल्स का इंपैक्ट ईबीआईटी पर, ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज. हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स 1.2222. सेल्स है 10%, सो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आर हमारे आपके पास 12.222%. और क्वेश्चन ने वैसे तो पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज, अगर आप फाइनल आंसर भी दें रिवाइज्ड ईबीआईटी का. पहले हमारे पास ईबीआईटी कितना था जी, 27 लाख.
उसे बढ़ा दीजिए। हाँ39,992 30 लाख। ठीक है जी, वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, उसको तो सिर्फ परसेंटेज चेंज चाहिए था, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए था। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, सिक्स रिक्वायरमेंट। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द फर्म विल इक्वल टू जीरो? सोच के बताइए कैसे आंसर करेंगे इस रिक्वायरमेंट। वो सेल्स जिस पर ईबीटी जीरो हो जाए, एबीटी को 100% से ईबीटी को 100% से गिरा दोगे? फाइनली ठीक है, कंबाइंड लीवरेज भी लग सकती है और ऑल्टरनेटिव में फॉर्मूला लग सकता है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ईबीटी जीरो है मतलब ईपीएस जीरो है, तो मेन डेफिनेशन तो ईपीएस बोलती है, बट हम ईबीटी वही ईबीटी में जीरो बोल देंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया कंबाइंड लीवरेज, वो क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कंबाइंड लीवरेज आपके पास कितनी आती है, 1.4379। ईबीटी को हमने 100 से गिराना है, जीरो पर लेकर जाना, तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर लेना। कितने बता रहे, 60? 9.5 5 आगे भी कुछ है? 5.4 था ना, 5.4 5.8। 4, 5, 8। तो आपके पास रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले सेल्स कितनी थी, 75 लाख, इसे गिराओ 69.5458% से, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। और अगर हम इसी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट से, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, आपने किया हुआ यह इससे सॉल्व? आप अच्छों से कर लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। वैसे तो एक टाइम पर एक ही ऑल्टरनेटिव बताना है, बट रिवीजन में आपको फिर अंडरस्टैंडिंग रहे, कभी कुछ ऑल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं, कभी कुछ। एनीवे, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास है 6 लाख, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट आपके पास कितनी है, इंटरेस्ट बेसिकली 4,05,000, एंड पीवी रेशियो, देखिए ये आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 56% बता रहे थे, दैट मीन्स पीवी रेशियो इज 44%, करके देखो। यस मैम, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा कितना आ रहा है बताओ इधर, 23,75,000। 23,86,363। मैं एक बारी के लिए जस्ट फिगर जरूर कर दूँ, एक सेकंड देना प्लीज। और शॉर्ट दे दो, जीरो नाइन जीरो, तो 5,000 ही यस मैम, मैम हो गया वो क्वेश्चन। 22,84,090 जी, ठीक है, यस मैम, बेयरली आई आई वुड से 25 रुपए का फर्क है, चलेगा इतना तो, लाखों में बात चल रही है। ठीक है जी, दैट ऑल राइट, लास्ट रिक्वायरमेंट आंसर करें प्लीज, लास्ट रिक्वायरमेंट। अपने लेवल पर सोचिए कौन सी लीवरेज की एप्लीकेशन है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल लीवरेज का वैसे जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या बताते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, बट इन दिस क्वेश्चन इट कैन बी टेकन एज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईवीआई।
आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर था 1.1765 परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, और ईबीआईटी बढ़ रहा है 20% से, हेंस परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी विल बी 23.5 23.553%। ज्यादा से ज्यादा अगर आप रिवाइज्ड ईबीआईटी बताना चाहते हैं, सॉरी रिवाइज्ड ईबीटी, रिवाइज्ड ईबीटी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। 22,95,000 था पहले, अब उसे बढ़ा दो। अगेन क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि कितना परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है जी, ओके, विद दिस क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है फिनिश। टेक योर ओन टाइम इन कंप्लीटिंग दे। शालिनी प्लीज कंफर्म, 28th हो गया था? यस मैम, पहले से पहले क्लास में। और नेक्स्ट पेंडिंग क्वेश्चन है 29th आई गेस, 29th, मुझे भी पेंडिंग पेंडिंग है। 19th लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, वो तो 2-3 चैप्टर्स के बाद जाके उसकी बारी आएगी। हाँ जी, ये कंप्लीट करने के बाद प्लीज टेक अ रीडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। ईपीएस तक निकाल तो लोगे, बट इनकम स्टेटमेंट क्या स्ट्रेट अवे बन रही है या सीधी सीधी, वो देखो 29th में। देखो सेल्स बता रहे हैं, कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं, एट प्रेजेंट लेवल डीओएल, डीओएल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2.5। कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बता रहे हैं, एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट बता रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल है 16%। बच्चे आपको इंटरेस्ट रेट तो गिवन है, डेट की वैल्यू कितनी है वही नहीं गिवन। इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट बीइंग आस्क्ड, पूछ के रहे हैं ईपीएस जो करंट लेवल पर है वो निकालो, ये बताओ डेट कैपिटल कितनी है। इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ईपीएस, वाइप आउट ईपीएस मतलब ईपीएस बिल्कुल जीरो पर ले आएगी, मतलब ईपीएस में आ जाएगा 100% डिक्लाइन। सेल्स में 25% डिक्लाइन की वजह से ईपीएस में 100% डिक्लाइन है, क्या समझ में आ रहा है हमें इस चीज से? सेल्स में सौ कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईपीएस 100% से गिरा है, जब सेल्स 25 से गिरी है मतलब कंबाइंड लीवरेज का आंसर है 4। तो पहले आप ये वर्किंग करोगे और फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करोगे और फिर देखोगे कोई और एडिशनल वर्किंग तो नहीं करनी, कोई मिसिंग फिगर शायद अपने आप ही नहीं कर लोगे। बात समझ में आई है जी? चलो क्वेश्चन नंबर 29। कंबाइंड लीवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी, हंड्रेड डिवाइडेड बाई 25, दिस इज 4 टाइम्स। नाउ प्लीज प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट।
निकाल सकते हो या कंबाइन से डायरेक्टली इंटरेस्ट के फिगर पे निकाल सकते हो? कंट्रीब्यूशन है और आई थिंक ईबीटी आ जाएगा आपके पास, हो जाएगा एक बार करके देखो। हाँ जी, क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बता रहा है बच्चे, वहां से क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट की फिगर निकल आएगी या ईवीआईटी की फिगर निकल आएगी, देखो एक बार। ओके देख लेती मैं एक बारी। फिफ्टी वन का चार्ट। देखो जा रही थी ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाओ कंट्रीब्यूशन अपॉन सीबीआईटी। आपको क्वेश्चन ऑपरेटिंग लीवरेज बता रहे 2.5, कंट्रीब्यूशन कितनी आपके पास 10 लाख, और ईबीटी का काम है। ईबीटी भी बता देते हैं आपको, ईबीआईटी हमारे पास है 4 लाख। ठीक है, तो ये वाली चीज सॉल्व हो गई आपके पास। सिक्स फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? लाख 6 लाख बैलेंस इन फिगर। अब कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको? कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करो, कंबाइंड लीवरेज पर इनकम चेंज के कारण जी। ये ना बोल रहा था 20 लाख, ये पूरा पीएस में ना मुझे वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे साथ। देखो 20 लाख के बगल में रुपी का साइन लिया, अच्छा सेल्स रेवेन्यू इज रुपीज 20 होगा, तो ये सेल वैल्यू ही है। ठीक है, हाँ जी। कंबाइंड लीवरेज आपने पता की थी 4 टाइम्स, कंट्रीब्यूशन कितनी है आपके पास 10 लाख, तो ईबीटी आ रहा है 2,50,000। ईबीटी को जब आप इनकम स्टेटमेंट में फिट करोगे तो इंटरेस्ट आप पता कर पाओगे एज बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, एक बार लैंग्वेज देखो, सेल्स रेवेन्यू एट 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 लाख, सेल्स रेवेन्यू इज रुपीज 20 लाख। ये सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट एवे दिए हुए कंफ्यूज करने के लिए, तो ये वो 20 लाख यूनिट्स नहीं है, रुपी वैल्यू ही है। ठीक है जी, सब पॉइंट हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, तो ईपीएस आ रहा है 1.25। और आपने अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल भी बतानी थी, वन लाख 50,000 इंटरेस्ट है, किस कितना रेट पर? 16% पर। तो डेट की वैल्यू आ रही है 937,500 डीजी। देखिए क्वेश्चन ने आपको बोला था कि जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 16% पर पे कर रहे हैं, बट 16% किसका ये नहीं पता था, एक बार यही पूछ लिया। तो हमने तो खैर एज मिसिंग फिगर 1,50,000 पता किया। अब देखो 1,50,000 इंटरेस्ट है 16% ऑफ समथिंग का, तो वो एक्स वैल्यू, सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16।
बाद 30th था, 31st क्वेश्चन। हनी सभी का हो गया 29 क्लोज। अभिनव आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। हमारे पास सेल्स गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, कंबाइंड लीवरेज गिवन है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज फाइंड आउट एंड वेरीफाई इन ईच केस परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15%। बच्चे बताना, टैक्सेबल इनकम को हम प्यार से ईबीटी बोल सकते हैं, जिसमें से टैक्स कटता है। तो आप कह रहे हैं सेल्स अगर बढ़ रही है तो ईबीटी कितने से चेंज होगा, तो ये कौन सी लीवरेज की एप्लीकेशन है? कंबाइंड। तो हमने कंबाइंड लीवरेज का ये कॉन्सेप्ट तो अप्लाई करना है और बताना है कि अल्टीमेटली हमारे पास ये परसेंटेज चेंज आ रहा है, बट आपको ये परसेंटेज चेंज वेरीफाई भी करना है। फाइंड आउट तो कर ले होंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज, वेरीफाई भी करना है कि वाकई ही उतना परसेंटेज चेंज आपका आ रहा है। वेरिफिकेशन पता कैसे होगी? एक रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाकर। मैं आपको एक रिक्वायरमेंट इसके अभी सॉल्व करके बताती हूँ। खैर, हमें पता चल गया पहली रिक्वायरमेंट में कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, कंबाइंड लीवरेज। एक कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करके बताएं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में 1.7 कंबाइंड लीवरेज आप मुझे बता रही हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का सम मल्टीपल 1.4 × 1.25 करके बता रही हैं, 1.75 times। चलो, कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। वैसे तो कॉन्सेप्ट कहता है ईपीएस, यहाँ पर हम बोलेंगे बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 1.75 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और सेल्स कितने से? 15। बिल्कुल तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी, ओके, 26.5%। तो हमारा ईबीटी इंक्रीज होगा 26.25% से। ये तो हमारा यहां तक हो गया फाइंड आउट वाला का। अब आपको करना है वेरीफाई वाला का, कि वाकई आपका ईबीटी क्या 26.25 से इंक्रीज होगा अगर सेल्स इंक्रीज होगी 15% के लिए। उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हो कि एक ही स्टेटमेंट में आप ओरिजिनल और रिवाइज दोनों काम करके देखो। हाँ जी, सेल्स आपको ओरिजिनल गिवन है 15 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चे, पीवी रेशियो आपको गिवन है 70% ऑफ सेल्स, तो 15 लाख का 70% वुड बी 10 लाख 50,000। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 4 लाख 50,000। ठीक है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन आपको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बता रहा, वो हम ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करते हैं। फिर ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट माइनस होगा, अगेन वो भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा, ईबीटी होगा। पहले तो आप ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो आपको गिवन है 1.4 times टाइम्स फाइनेंशियल लीवरेज 1.25 times। सेवन सेवन लैक 11,000। ठीक है जी।
ईबीआईटी आ रहा है 7,50,000 रुपीज। ओके okay. थ्री लाख आपके फिक्स कॉस्ट है, बिल्कुल ठीक है। ओके फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करोगे, ईवीआईटी फाइनेंशियल लीवरेज है आपके पास 1.25, ईवीआईटी है 7,50,000, तो ईबीटी कितना हो गया? 6 लाख। हाँ जी, ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। यस अब रिवाइज्ड वाला काम करो। रिवाइज्ड में क्या चेंज है कि सेल्स आर इंक्रीजिंग बाय 15%, तो 15 लाख को 15% से बढ़ा दो। 17,25,000। अब बच्चे ऐसा है, सेल्स इंक्रीज होना मतलब आउटपुट इंक्रीज होना। सोचो यूनिट बढ़ रहे हैं तो उनके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट? कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन अगर पहले थी 70% ऑफ सेल्स, अभी भी वो रहेगी 70% ऑफ सेल्स, क्योंकि हमें पता है सेल्स बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा प्रोपोर्शनेटली। वो सेम थोड़ी ना रहेगा 4,50,000, तो कंट्रीब्यूशन अभी भी वही रहेगी 70% ऑफ सेल्स। ये कितनी आ रही है? 7,000। 12,07,500। ठीक है, सो पीवी रेशियो रिमेन सेम नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज। अब यूनिट्स बढ़ाते जाओ, पीवी रेशियो तो सेम ही रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट बीइंग फिक्स्ड, वो 3 लाख ही रहेगी। तो आपके पास ईबीआईटी आ गया 9,075,000। इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, 1.5 लाख पर ही रहेगा, तो आपके पास ईबीटी आ गया 757,500। 757,500। हाँ जी, ईबीटी 757,500 सभी के पास आ गया। अब आप वेरीफाई करोगे परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी। देखिए जी, 757,500 हो गया, कहाँ से? 6 लाख से। तो न्यूमरेटर पे रख दिया इंक्रीज, कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? 6 लाख से। तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है? 26.25। तो ये परसेंटेज इंक्रीज आपने लीवरेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके भी बताया था, और अब इनकम स्टेटमेंट करके भी आपने वेरीफाई कर लिया। तो आप बोलोगे हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन ने बोला था बताओ भी लीवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके, फिर इनकम स्टेटमेंट बना के वेरीफाइड, ठीक हो गया? चलो सिमिलरली हमको आगे की दो रिक्वायरमेंट्स भी करनी है अभी। हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स डिक्रीज बाय 10%। बताओ पहले तो कौन सी लीवरेज है? ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लीवरेज है आपके पास 1.4 टाइम्स, 1.4। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपको बताना है, और सेल्स गिर रहे हैं 10% से, हेंस परसेंटेज डिक्लाइन। अब डिक्लाइन वर्ड यूज कर सकते हो, सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो ईबीआईटी भी गिरेगा। परसेंटेज डिक्लाइन इन ईबीआईटी विल बी 14%। अब आप क्या करोगे? रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाओगे ईबीआईटी तक ही, बस ईबीआईटी तक। ओरिजिनल बनी पड़ी, उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपी वाली। हाँ जी, रिवाइज सेल्स, पहले सेल्स कितनी थी? ओरिजिनल सेल्स 15 लाख की। अब उसे गिरा दोगे 10% से, थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड।
अभी भी कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 70% ऑफ सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है 9,45,000 माइनस यहां से करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 3 लाख, नहीं 3 लाख है, तो हमारे पास ईबीआईटी तक ही पहुंचना था, ईबीआईटी आ रहा है 6,45,000। तो अब आप बताओगे परसेंटेज डिक्लाइन इन ईबीआईटी। हाँ जी, पहले हमारे पास ईबीआईटी कितना हुआ करता था, 7,50,000, वहां से गिर गया है 6,45,000 पर। कहां से गिरा है, ओरिजिनल कितना था 7,50,000 × 100 कितना आ रहे, 14%। फिर आप बोल दोगे हैंस वेरीफाइड। चलिए सिमिलर बेसिस पर आप सभी लोग थर्ड रिक्वायरमेंट ट्राई करके बताएं। हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है जी। एटीन इसलिए दोबारा तो नहीं बनानी पड़ेगी, इसमें तो हमें पर्सनल गवर्नमेंट भी बैंक की नहीं है। अगर आप ईबीआईटी को 15% से बढ़ोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट आपने तो बनाई थी जब आप सेल्स को बढ़ा रहे थे, अब आप इनकम स्टेटमेंट जो शुरू करोगे वो ईबीआईटी से ही शुरू करोगे, रिवाइज इनकम स्टेटमेंट। हमारे पास ओरिजिनल ईबीआईटी था 7,50,000, उसको आप 15% से बढ़ा दो तो यार है, नहीं 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 62,500, 7,50,000, 7,50,000 7,50,000 से माइनस इंटरेस्ट, तो आपके पास ईबीटी आ गया 7,12,500। तो आप बता रहे हो परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी। ईबीटी पहले हुआ करता था 6 लाख, तो ये परसेंटेज इंक्रीज आपका वेरीफाई हो रहा है 18.75%। मैम परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी का नाम, एक बार ही देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ईबीआईटी बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 15%। अगर ईबीआईटी बढ़ता है 15% से, तो ईबीटी में क्या चेंज है, तो हैंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन खत्म।
हाँ जी हाँ जी डन। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 34 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 34 यही बैठे बैठे आप ही की तरफ से ट्राई होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 वो थोड़ा सा बड़ा है, इट विल टेक सम टाइम, आज नहीं हो पाएगा कंप्लीट, तो 34 पहले करेंगे। रीडिंग आपकी, एग्जीक्यूशन आपकी, पहला ट्राई आपकी तरफ से ही है। किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं पर फंस ही गए हैं वो भी बता दो। फंसी रही मैम, इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू वी नो, हमको वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, ज्यादा ज्यादा हमें इंटरेस्ट मालूम है। इंटरेस्ट कितना, 3 लाख 10% यानी कि 30,000। और क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सोचो। पीएटी सेल्स का 5%। पीएटी सेल्स का 5% है, पीएटी सेल्स का 5% है ना, सेल्स के बिना पीएटी के बिना। फिर भी कुछ तो कर सकते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्या किया हुआ अभी कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ बट आप ये देखो ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ना फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बिना 3 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, तो 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट सही है। सोचो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या करने का तरीका है, हाउ विल यू यूज द इंफॉर्मेशन दैट पीएट इज इक्वल टू 5% ऑफ सेल्स। सेल्स सेल्स को अज्यूम करोगे क्या, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू या एक्स, एक्स लेट सेल्स बी एक्स, तो पीएटी आपके पास कितना हो जाएगा ये बताओ। एक्स का 5% यानी कि 0.05x। क्वेश्चन ने आपको टैक्स रेट बताया हुआ है 50%,
तो आप सोचो अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 0.05x और टैक्स रेट है 50%, तो ईबीटी भी पता कर पाओगे एक्स के टर्म्स में क्या है, कितना हो जाएगा 0.1x। 0.1x। अब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर यूज कुछ ना कुछ कर पाओगे, ईबीआईटी कितना आ जाएगा एक बार सोचो, ईबीआईटी 30,000 प्लस पॉइंट 0.1x प्लस 30,000। वन इधर से वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 6 लाख की, तो कंट्रीब्यूशन भी एक्स के टर्म्स में आ रही है, एक्स माइनस 6 लाख। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बता रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दोनों ही फिगर्स एक्स के टर्म्स में मौजूद हैं, आप लगाओगे फॉर्मूला एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बात समझे, एक बारी कोशिश करो। लेड सेल्स भी एक्स, हेंस पीएटी इज इक्वल टू 0.05x। तो आप एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला बनाओ, इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बनाओ जिसमें आप एक कॉलम एक्स के लिए रखोगे, फिर एक और कॉलम की स्पेस छोड़ोगे फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। बार बार इनकम स्टेटमेंट थोड़ी ना बनाएंगे, एक कॉलम इस तरीके से जैसे मैंने एक्स के टर्म्स में रख दिया, एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सेल्स हाँ जी, सेल्स की वैल्यू आ रही है 12 लाख। मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट विद फाइनल फिगर्स रख देती हूँ स्क्रीन पर। नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे बता देंगे, प्रॉपर सोल्यूशन करवा देंगे आप। Oh, that's interesting. Oh. 60,000 Cheap. पर आई लुक एट सम पॉइंट
इसमें भी अप्लाई हो रहा है वहां पे 5% सेल्स, 5% ऑफ सेल्स। हाँ जी, इसमें मतलब मतलब जो उन्होंने रिवाइज करनी इसमें 60 काउंटिंग हाँ जी आप ऐसे बिल्कुल पीछे से आप मतलब। हाँ मतलब आपको देखो जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू निकाली 12 लाख, एक तो आपको कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगी सबसे पहले क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की मतलब, और एक आपको डाउनवर्ड पोर्शन से ईएटी पता चल जाएगा 12 लाख का 5%। फिर आप ये बोलोगे अगर ईएटी 60,000 है तो ईबीटी 1,20,000 है। फिर आप ये बोलोगे अगर ईबीटी 1,20,000 है तो ईआईटी इंटरेस्ट ऐड बैक करके 1,50,000 रहेगा और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट की आ जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज है हमारे पास 1.25 5.5 कंबाइंड 5 और और परसेंट, चेंज 2026। हाँ जी परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस 25%। इन्होंने रिवाइज ईपीएस की वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज पूछा, काम हो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है तो काम हो नहीं सकता। ठीक बात कर रहे हो, चलो जरा ये क्वेश्चन डन हो गया। अच्छा अब आप होमवर्क में लेकर जाएंगे एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, ये स्क्रीन हटा सकते हैं क्या अंजलि, हो गया ये हो गया स्क्रीन हटा सकते। यस कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा इधर क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। हाँ जी तो फॉर्मूला लगा कर 5% से सेल बढ़ रही है, कंबाइंड लीवरेज हमारे पास 5 आई हुई है तो परसेंटेज इंक्रीज 25 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है बचे, देख लेते हैं। हाँ जी, एक तो फिफ्थ इट इज प्रीटी मच सिमिलर टू वो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया था, फिफ्थ आपके होमवर्क में चला गया। और सेवन तक हो गया था, आज 9th भी हो जाएगा होमवर्क में क्योंकि ये भी सिमिलर है जो आज आपने क्वेश्चन किया। 10th के लिए भी रुक जाना, 11th के लिए रुक जाना, ये दोनों के लिए रुक जाना, बाकी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आई थिंक कवर हो जाएंगे। सो एक्सेप्ट 10th एंड 11th, बाकी एग्जाम क्वेश्चन पहले से करे हुए हैं। ठीक कुछ कुछ देखो पेंडिंग काम कंप्लीट कर दीजिए। मैम ऐसे ये क्वेश्चन है दैट December 21, 0:34 ये मैंने किसी को पूछा है question 34 है। हाँ जी हाँ जी, जो आपने 34 की है बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दो दो जगह क्यों डाला ना आपने, एक बार हाल से हर चीज कौन दे नहीं 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 इसी रुक का। ये हाँ जी वाला एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये खुद सही है और ये सॉल्व भी है स्टेप बाय स्टेप, नॉट इवन फाइनल आंसर, कहीं अटक गए तो देख लोगे, देखकर भी नहीं समझ में आ रहा तो वो डाउट आप मुझे वन ऑन वन बताओगे, ये क्लास डिस्कशन वाले क्वेश्चन नहीं। ठीक है जी, तो ये ऐसा है, ये आपने अपनी अब तो अपनी पेज पर कभी भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब वो स्टेज आ गया है लीवरेजेस चैप्टर में, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सॉल्विंग ईपीक्यू अपने एंड पर। इनफैक्ट कंसिडरिंग कि देखो सीधी सी बात है सेप्टेम्बर में टाइम कम है, लगे हाथ ये सारी ईपीक्यू जैसी चीजें टिकाते जो, क्योंकि बाद में जब कल को रिवाइज करोगे ना आपको पता होना चाहिए मैं पहली रिवीजन में कहाँ पर हम अटके थे, राइट वो मार्क कर लोगे। और वैसे भी हमको आईसीआई मटेरियल जो मैंने रेफरेंस दी होती है कि आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो करना ही करना है, अलॉन्ग विद दैट एनी क्वेश्चन विच यू थिंक इज इम्पोर्टेंट जिसमें आप वैसे अटके थे अपने लेवल पर, तो वो भी मार्क कर लिया करो पहली को में ताकि आगे के रिविजन के लिए आपका शॉर्ट काम रह जाए। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक ही, मोस्ट लाइकली आपकी नेक्स्ट एफएम की क्लास परसों ही लगेगी, आई यू कीप दैट इन माइंड क्योंकि मैं इंसिस्ट करूंगी, अभी मेरी बात नहीं हुई वापस, मैं भी इंसिस्ट करूंगी कि कल अगर जो हमारा एक स्लॉट लगेगा वो कॉस्टिंग का ही लगे। ठीक है जी।